फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला की चक नंबर 363 की सड़कें टूट फूट का शिकार, लटकती तारें, गिरते खंबे हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मजीद आगाह कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद डिविजनल ब्यूरो चीफ रिजवान आजीज जी, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जग नंबर 363 गांव के तहसील जड़ावाला में, और यहाँ पर जो हालात हैं इस गांव के, वो हुकूमत की जो कारकर्दगी है, ना सिर्फ इस हुकूमत की बल्कि सबका हुकूमतों की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल रही है। यहाँ पर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है, ये ऊपर इंतजाम, यहाँ पे जो निज़ाम है इतना खस्ता हो चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। इस गांव के लोगों का, इस इलाके के लोगों का, ये गांव यहाँ का एक मरकज़ है जहाँ पर पूरे इलाके से लोग ख़रीदारी करने आते हैं, यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ अवेल होती है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं इस गांव के कुछ लोग, हम उनसे उनकी राय लेंगे यहाँ पर इस गांव की जो तरक्याती काम है या फंड, जो फंड्स होते हैं जो यहाँ पर आते हैं उनके हवाले से। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जनाब डॉक्टर अमरियात है, एज़ कॉलेज स्कूल। आप यहाँ के रहायशी हैं? जी मैं यहाँ के रहायशी हूँ। आप क्या कहते हैं, ये जो रोड की बड़ी हालत खस्ता है, क्या कभी सियासी जो लीडरान हैं या हुकूमत है उनका इस तरह कोई तवज्जो नहीं आई? जी सब कभी तो पहले ये हुकूमत थी, उन्होंने जब यहाँ पर कुछ ना कुछ काम किया था, लेकिन जो आम सैलरीज थी हमारे गांव की उतनी उन्होंने काम नहीं किया। जस्ट बाकी जो गवर्नमेंट चलती आ रही, ये भी गवर्नमेंट चल रही है, पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही है, हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, ओवरऑल ऑल पाकिस्तान हर गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जस्ट मी द राइट एंड 363 GB इन तहसील जड़ावाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, आई एम रिलेटेड इन दिस विलेज, इन दिस इज माई राइट इन द ऑल टाइम्स इन द ऑल लाइफ। प्लीज सो मच, थैंक यू ऑल के लिए बेटर समरी। यहाँ पर बाबड़ा वाले को कंप्लेंट करी है, डी सी लेवल तक की है, एसी लेवल तक की है, बाकी जो है उसकी है अपना प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद उनको उन्होंने रिलेटेड किया है, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया और जाना। ये गांव इस इलाके का मरकज़ है और यहाँ पर हर फैसिलिटी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल्स हैं, हर चीज़ है, लेकिन बच्चों के गुजरने के लिए रास्ते नहीं हैं। यहाँ पे मरीज़ आवाम हैं, लेकिन यहाँ पे मरीज़ हैं लेकिन मरीज़ों के लिए अस्पताल नहीं है। यहाँ पर जो सहूलतें हैं बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो यहाँ पर नापैद। इस आवाम का हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जल्द अज़ जल्द इस गाँव की तरफ तवज्जो देते हुए इस इलाके के लोगों को सही मानों में रिलीफ फराहम करें।